प्रीमैच्योर इजैकुलेशन मतलब शीघ्रपतन और हिप्नोटिज्म, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफी सारे लोग मुझे कंसल्ट करते रहते हैं और वो बोलते हैं कि भाई उनको जल्दी गिर जाता है वीर्य, वीर्य का स्खलन जल्दी हो जाता है, शीघ्रपतन होता है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, मतलब उनका ऐसा है कि सेक्स करने के कुछ सेकंड बाद ही उनका पतन हो जाता है। होता क्या है कि पतन होने के बाद में मतलब वीर्य स्खलन के बाद में शिश्न की कठोरता नष्ट हो जाती है, पुरुष को उसमें मजा आता नहीं है, महिला को मतलब पत्नी को या स्त्री को उसकी भी इच्छा पूरी होती नहीं है, उसके पहले इसकी कठोरता निकल जाती है और फिर दोनों भी आधे अधूरे अलग हो जाते हैं। इसमें होता क्या है कि धीरे 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 पत्नी का इंटरेस्ट निकल जाता है, उसको लगता है कि क्या ये आता है, कुछ तो भी करता है, मजा भी आती नहीं अपने को, और वो निकल जाता है, बात भी नहीं करता बाद में। तो ऐसे उसका भी धीरे 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 इंटरेस्ट निकल जाता है कि उसको समाधान संतुष्टि खुशी उसमें मिलती नहीं है सेक्स करने में, और फिर प्रॉब्लम आते रहते हैं, फिर झगड़ा झंझट होना, फिर शक निकलना कि भाई ये मेरे साथ में सोती नहीं है या मेरे साथ में इंटरेस्ट नहीं है, फिर और कहीं बाहर इसका है क्या कुछ, उसके बारे में फिर शक करना, फिर उसके बारे में झगड़े, ऐसा वो विशेष साइकिल में फंस जाते हैं। इसका इलाज क्या है? तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में मतलब जल्दी जो वीर्य स्खलन हो जाता है, तो इसमें हम बोलते हैं कि कुछ दवाइयां हैं कि जो दवाइयां लेते हो तो आप अच्छे हो जाते हैं, मगर कुछ लोगों को दवाई लेने के बाद में भी कुछ फर्क पड़ता नहीं है। दवाइयां में जैसा फ्लॉक्सेटिन है, फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है, वो दवाइयां काम में आती है, या फिर SSRI के बाकी जो अलग है जैसे सर्ट्रालिन है तो वो काम में आती है, तो ऐसे कुछ दवाइयां पैरोक्सिटिन है वो है, और बाद में फिर लोकल एनेस्थेटिक अप्लाई करके भी लोगों को वीर्य स्खलन में जरा टाइम हो जाता है, मतलब टाइम ले सकते हैं, उसके बावजूद भी समझो उनको नहीं होता है, मतलब उसके बाद में भी कोई फायदा नहीं होता है, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल नुस्खे अपनाने मतलब उसमें अपनाने पड़ेंगे। अब वो साइकोलॉजिकल कौन से है कि एक तो मास्टर जॉनसन टेक्निक है, जो मैंने मेरे पहले वीडियो में कहा था कि मास्टर जॉनसन टेक्निक में स्विस टेक्निक क्विज स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक, अभी वो भी करने के बाद में कोई फायदा नहीं है, फिर अब क्या करें, तो फिर मैं लोगों को हिप्नोथेरेपी देता हूँ, सम्मोहन उपचार, और सम्मोहन उपचार में मैं उनको पहले ट्रेनिंग देता हूँ कि खुद को स्वसम्मोहित कैसे करना, सेल्फ हिप्नोटाइज करते कैसे करना, उसमें स्वयं सूचना देना और स्वसम्मोहन की अवस्था में कल्पना करना है कि आप सेक्स कर रहे हैं और सेक्स कर रहे हैं और आप सेक्स का मतलब अनुभव ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसमें बहुत मजा भी आपको आ रहा है और आप एक्चुअली सेक्स कर रहे हो इमेजिन करना, और उसमें फिर वीर्य स्खलन जो है वो आराम से हो रहा है, अब एक्साइटेड उतने नहीं हो कि फटाफट वीर्य स्खलन हो जाएगा, ऐसी कल्पना करना, विजुअलाइजेशन करना, और बाद में फिर उसकी कल्पना करते करते उसकी इतनी प्रैक्टिस करना है, उतनी प्रैक्टिस करना है कि एक्चुअली आप जब करने जाओगे तब आप इतने जितने रिलैक्स थे विजुअलाइजेशन के टेक्निक में, सम्मोहन के टेक्निक में, उतने आप रिलैक्स हो जाएंगे जब आप एक्चुअली सेक्स करेंगे तब। तो वो जो सेक्स का अनुभव है, वो सेक्स का अनुभव कल्पना में करना, विजुअलाइजेशन में करना, और उसमें फिर आराम से स्खलन हो रहा है ऐसी कल्पना करना, वो टोटली पूरी एक्ट जो है वो पूरी एक्ट विजुअलाइज करना, रिलैक्स रहना, और रिलैक्स होकर पूरी विजुअलाइजेशन आप कर रहे हैं और वो एक्ट आप इमेजिन कर रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा जो ये सेट है, ये पूरा जो मतलब शेड्यूल है या यूनिट जो है, वो पूरा जब आप एक्चुअली सेक्स करेंगे उसमें इस्तेमाल करना। मतलब क्या है कि पहले अकेलेपन में प्रैक्टिस करना, और अकेलेपन में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हैं, वैसे ही फिर रिलैक्सेशन एक्चुअली जब सेक्स कर रहे हो उसमें प्रैक्टिस करना, तो आप जब करेंगे तब इसमें फायदा होता है। दूसरा, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई नहीं, पत्नी है ना वो कुछ नहीं आएगी और वो कुछ बात नहीं करेंगी आपसे, तो पत्नी बात नहीं करेंगी तो फिर सेक्स कैसा होगा? क्योंकि ये गेम जो है इंटरकोर्स, ये दोनों का गेम है, समागम बोलते हैं उसको, समागम मतलब दोनों मिलके वो खेल है, दोनों मिलके वो गेम है, और उसमें पत्नी यदि तैयार ही नहीं है तो फिर ये होंगे ही नहीं। फिर धीरे से लोग बोलते नहीं नहीं हमारा है ना दोनों का पट्टा नहीं है, आज पट्टा नहीं वो भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं सभी लोग जो है, जो शादीशुदा है, जो लोग सेक्सुअल प्रॉब्लम लेके आते हैं, उनको पहले मैं बोलता हूँ भाई आप पहले काउंसलिंग करो, आपका वैवाहिक, आपकी जो वैवाहिक समस्या मतलब आपस में बेबनाव है, आपसे रिश्ते में कुछ तो भी दरार आ गई है, पहले वो सुलझाओ, क्या ऐसा हो गया है, क्यों आपकी पट्टी नहीं है, क्यों आपकी अनबन होती रहती है, क्यों आपके झंझट झगड़े होते रहते हैं, क्या हो रहा है, ये पहले सुलझाओ, और वो आप जब देखेंगे, जब आप एक हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम ही सेक्स का आएंगे नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब मैं हरदम बोलता हूँ कि भाई इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टिंग, मतलब जिसको रुचि है सेक्स करने में और बहुत उसको इंटरेस्ट है, रुचि आ रही है काम करने में, मतलब खुद रुचि वाला इंसान है और रुचि काम करने में आ रही है,
इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टिंग पार्टनर इज द बेस्ट सेक्स टॉनिक। तो जब ये बेस्ट सेक्स टॉनिक है तो फिर उसका तो इलाज वहीं से होगा कि भाई इंटरेस्टेड इंटरेस्टिंग पार्टनर क्यों नहीं, तो दोनों के आपसी मेल जोल, आपसे रिश्ते, वो ठीक होना जरूरी है। फिर लोग बोलते नहीं अभी मेरे को तुरंत इलाज चाहिए तुरंत, क्योंकि कुछ लोग जो आते हैं वो आते हैं कि भाई मेरी शादी हुई नहीं है, मेरे प्री मैरिटल कॉन्टैक्ट है, मैं कभी कभी हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार हमारे संबंध आते रहते हैं और मुझे उसमें रिलीफ चाहिए। अब पहले ही वो एक एक महीने की गैप यदि है, नए वातावरण में है, नए व्यक्ति के साथ में या दोस्त के फ्रेंड के साथ में है, वहाँ तो उसका वैसे ही टेंशन एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसका जल्दी वीर्यस्खलन हो जाएगा। अब इसमें क्या करें, तो उसमें हम बोलते हैं कि ठीक है आप ऐसा करो, दवाई ले लो, टैबलेट ले लो। दवाई ऐसी दवाई है कि जो थोड़ा सा मतलब इनहिबिट करेगी इजैकुलेशन, सहायता करेगी, एक्साइटमेंट कम करेगी। लोकल एनेस्थेटिक लगाओ, ये तो करो ही करो। फिर सिल्डेनाफिल जैसी टैबलेट है वो भी ले सकते हैं आप। मगर यदि एकदम ही ऐसा सवाल है कि बिल्कुल अभी आज का मतलब नहीं ठीक हो गया, तो बहुत ही खतरा हो जाएगा, बहुत रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ जाएंगे या बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप ऐसा करो कि पहले हस्तमैथुन कर लो 3-4 घंटे पहले, ताकि आपका जोश जो है वो निकल जाएगा, और जोश निकलने के बाद में फिर आप दवाई ले लो, और बाद में फिर आपने सेक्स करने का है, ताकि आप ज़्यादा देर तक वो कर सकेंगे। उसमें चांसेस है कि आप ज़्यादा देर तक कर सकेंगे, तो आपका जो आपसी बेबना हो गया है, आपको जो वाइफ थ्रेट दे रही है, या आपके बाहर जाके रिलेशनशिप होने वाले और वहाँ आपको लग रहा है कि नहीं नहीं वहाँ तकलीफ हो जाएंगी, वहाँ आज मेरा टेस्टिंग है, और वो काफ़ी लोग ऐसे आते कि आज मेरा टेस्टिंग है और आज यदि मैं फेल हो गया और आज यदि जल्दी हो गया तो मेरी शादी ही टूट जाएंगी लड़की के साथ में, क्योंकि हमारी शादी होने वाली हुई लड़की के साथ में और उसने बोला है कि आज नहीं जमा और आज यदि जल्दी वीर्यस्खलन हो गया तो मैं शादी नहीं करूंगी। अब ऐसे इसमें आपको तो इमरजेंसी लग गई जैसा काम करना पड़ेगा। अब हम अलग 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 उसको तरीके बताते हैं कि जिससे वो एक दिन जो है आज का वो उसका निकल जाएगा और बाद में फिर वो ठीक तरह से कर पाएगा। वैसे फीमेल सुपीरियर पोजिशन है, उससे फ़ायदा होता है। स्टॉप स्टार्ट टेक्निक है, स्क्वीज टेक्निक है, मेडिसिन है, हिप्नोथेरेपी है, सभी ऐसी जो टेक्निक है वो टेक्निक आप वापरते हैं तो वीर्यस्खलन जो है वो 100% मतलब शीघ्र पतन जो है 100% ठीक हो सकता है, कोई डाउट ही नहीं उसमें, और आपका जीवन जो है सेक्सुअल लाइफ वो पूरा अच्छा हो सकता है। काफ़ी सारे लोग जो है कि वो आते कि नहीं मैंने मास्टरबेशन किया है बहुत ज़्यादा और मास्टरबेशन में वीर्यस्खलन जल्दी हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ कि वीर्यस्खलन जल्दी मतलब शीघ्र पतन होने की आपको एक हैबिट लग गई अभी, और अभी हैबिट तोड़ना है तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मास्टरबेशन जब कर रहे हैं, हस्तमैथुन कर रहे हैं, उसमें आपको धीरे धीरे टाइम लंबाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जल्दी नहीं होगा उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो उसके लिए अलग साइकोथेरेपी हम देते हैं और वो भी इलाज हो जाता है। तो ये यदि लोगों को मालूम होता है कि नहीं इसका इलाज हो जाएगा, दवाई लेने की जरूरत ऐसी नहीं है कि जरूरत ही है और लेना ही पड़ेगा, ऐसे भी नहीं है, बिना दवाई का भी अच्छा हो सकता है। काउंसिलिंग, मैरिज काउंसिलिंग, आपसी बेबनाव, आपसी रिश्ते जो है वो ठीक करना, टेंशन और एंग्जाइटी है वो दूर करना, और वो जो थ्रेट है पत्नी के साथ का, मतलब थ्रेट इतना रहता है लोगों को कि लोग बोलते नहीं नहीं है तो मैं बोल ही सकता नहीं कि ऐसा है, मतलब भैया आप बोल सकते नहीं है, आप पति पत्नी हो, 5-10 साल से शादी हुई है, आप दोनों कपड़े निकालते हैं और सेक्स करते हैं, तो ये क्यों नहीं बोल सकते, आपकी कौन सी बात अभी छुप गई है ऐसी, ये भी बोल सकते हैं। और यदि आप ये बोल देते हैं तो आपका 50% टेंशन कम हो जाएगा, जैसे आपका टेंशन कम हो जाएगा तो आप अच्छे हो जाएंगे। तो काफ़ी सारी काउंसिलिंग इसमें करनी पड़ती है और वो काउंसिलिंग करने के बाद में लोगों को फायदा होता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।